दोस्तों आप अपने फोन पे का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कैसे डिलीट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप यहां से कोई भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करना चाहो तो कहीं पर भी आपको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जितने भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप देख रहे हो आपके फ़ोन पे में होगा वो आप कैसे डिलीट कर सकते हो काफ़ी आसानी से, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो अगर आपको अपने फ़ोन पे का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करना है तो आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में ये जीमेल ऐप को ओपन करना है, ठीक है। ये जो जीमेल ऐप आप देख रहे हो इसे आपको ओपन कर लेना होगा, और ओपन करने के बाद ये जो आपका यहाँ पर प्रोफाइल दिख रहा है आपको इस प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गूगल अकाउंट, या फिर आपको यहाँ पर मिल सकता है मैनेज योर गूगल अकाउंट, ठीक है। तो बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते के साथ ही यहां पर आपको इस तरह से स्लाइड करना होगा, और सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। तो बस आपको इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट्स इन्फो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैनेज एक्सपीरियंस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपसे फिंगरप्रिंट मांगेगा, तो आपको अपना फिंगरप्रिंट लगा लेना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आपको स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद यहाँ पर ये देखिए लोडिंग लेगा और फिंगरप्रिंट मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा फिंगरप्रिंट नहीं है, मेरे फ़ोन में NFC सिक्योरिटी की है, तो मैं चलिए अपना NFC सिक्योरिटी की जो है वो लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका जो भी होगा वो आपसे यहाँ पर मांगेगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये आ गया। अब सिंपल नीचे आएंगे तो जितना भी हमारा ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन को काफ़ी आसानी से हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो क्रॉस वाला बटन है आपको इस पर क्लिक कर देना है, ये डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये गॉट इट पर आपको क्लिक कर देना है, ये डिलीट हो जाएगा। अगर आपको सबको डिलीट करना है, यहाँ पर जितने भी हैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सभी को डिलीट करना है, एक बार में सबको हटाना है, तो यहाँ पर डिलीट का एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको मिल जाता है, जैसे कि लास्ट आवर, लास्ट डे, ऑलवेज, कस्टम रेंज, यानी कि अगर आप एक घंटा पहले का आप जो वो डिलीट करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप एक दिन पहले का डिलीट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। अगर आप हमेशा का डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर ऑलवेज पर आपको क्लिक करना है। अगर आप कस्टम रेंज यानी कि किसी डेट का आप डिलीट करना चाहते हो तो वो आप उस डेट का जो वो डिलीट कर सकते हो अपना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, ठीक है। तो ये तो हो गया, आप जो वो काफ़ी आसानी से अपना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये क्या है कि ये गूगल पे का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डिलीट हो रहा है, ठीक है। अगर आपको फोन पे का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट करना है, यहां पर देखिए फोन पे मैं अगर ओपन कर रहा हूं तो यहां पर हमारा जो है वो हिस्ट्री आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर डिलीट करने का कहीं पर तो ऑप्शन नहीं मिलता है, तो अब आप यहां पर फोन पे का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कैसे डिलीट करोगे, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। ये जो आप क्वेश्चन मार्क देख रहे हो इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल एंड पेमेंट्स में आ जाना है। फिर उसके बाद माय फोन पे प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है माय फोन पे अकाउंट डिटेल्स, तो बस इस पर आप क्लिक कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर चेंजिंग और डिलीटिंग डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर सबसे नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलता है कैन आई डिलीट ऑल माई पेमेंट डिटेल्स ऑन फोन पे, तो बस आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर फोन पे क्या कह रहा है, कैन आई डिलीट ऑल माई पेमेंट डिटेल्स ऑन फोन पे एज पर RBI's गाइडलाइंस, यूजर्स ऑफ एनी पेमेंट ऐप कैन नॉट बी अलाउड टू डिलीट देयर पेमेंट्स डिटेल्स फ्रॉम द ऐप। तो यहाँ पर फोन पे साफ साफ कह रहा है दोस्तों कि RBI के गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी यूजर फोन पे का अपना जो पेमेंट डिटेल्स है, जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, वो डिलीट नहीं कर सकता है। नोट, योर पेमेंट डिटेल्स ऑन फोन पे आर हाईली सिक्योर एंड नॉट शेयर्ड विथ एनी थर्ड पार्टी। और आपको फोन पे ये भी कह रहा है कि आपका जो पेमेंट डिटेल्स है वो हाईली सिक्योर है, ठीक है। इसको किसी भी थर्ड पार्टी के साथ जो है वो शेयर नहीं किया जाता है, ठीक है। यानी कि फोन पे के अंदर से आप अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपको गूगल पे का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट करना है तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया
वैसे ही आप जब वो काफ़ी आसानी से फ़ोन पे का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वो सिर्फ फ़ोन पे के अंदर ही डिलीट होता है। अगर आप अपने बैंक का स्टेटमेंट निकलवाओगे तो वहाँ से जो है वो डिलीट नहीं होगा। बैंक अकाउंट से आपका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डिलीट नहीं होता है, आपके सिर्फ फ़ोन गूगल पे से ही होता है, ठीक है। बाकी गूगल पे से आप कर ही सकते हो, लेकिन फ़ोन पे से आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को डिलीट नहीं कर सकते हो। तो कैसा लगा ये जानकारी और ये कैसा लगा ट्रिक, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।